तो वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। राम राम भाई सभी लोगों को। हमारी सुबह हो रही है जिम से, मैं जा रहा हूँ जिम, यानी कि सुबह तो नहीं है, दोपहर के 4 बज रहे हैं। सुबह से कुछ था नहीं इसलिए मैं कर नहीं रहा था। अभी मैं, मेरी बस यहाँ से 5 मिनट के बाद ही है, 19 नंबर की बस पे मैं बैठूंगा और यहाँ से मैं जाऊँगा जिम में। अभी क्या है कि सभी लोगों का शेड्यूल, आज है मंडे इसलिए शेड्यूल सभी लोगों का ऐसा वैसे हो गया है, इसलिए हम सभी लोग साथ में तो जिम नहीं जा पाएंगे, यानी बारी बारी जाएंगे। अभी एक बंदा घर पे है, एक बंदा कॉलेज गया है और मैं जा रहा हूँ जिम। जब मैं जिम से वापस लौटूंगा, मैं अभी निकला हूँ निकुंज भाई के वो लेके, क्योंकि कार तो अपने पास है नहीं, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं। जिम में जा रहा हूँ अभी तो भाई, एक्सरसाइज 3 दिन से मैंने, मतलब अभी मैं कर रहा हूँ डाइटिंग, क्योंकि सबसे मेन फैक्टर है डाइटिंग। जब मैंने जब सभी ऑनलाइन वीडियोस भी देखे और सभी को देखा, डाइट में अगर फ़र्क करते हैं और फिर उसके बाद जिम भी करते हैं तो थोड़ा सा इफेक्ट रहता है बॉडी में। इसलिए अभी अपना नहीं भाई, 3 डिजिट में तो नहीं पहुंचना है। हाँ थोड़ा दूर था 3 डिजिट से, बट 3 डिजिट नहीं पहुंचना है, ठीक है ना भाई। तो और भाई एक दो बंदे को जरूरत भी लगाई हुई है, 6 महीने में मैं थोड़ा कुछ केजीस मैंने उस पर डाले हैं कि इतने केजीस मैं अपने कम करूँगा, तो वो पता चलेगा जिम करने के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद। दिवाली तक देखते हैं कि कितना मेरा वेट मैं अपना लूज़ कर पाता हूँ। बट अभी ये एक्सरसाइज और वो सब डेली रहेगा, ये मैं अभी अपने शेड्यूल में ऐड कर दूंगा, क्योंकि धीरे धीरे कल मेरा कॉलेज का भी पहला दिन है। कल कॉलेज मुझे शाम को जाना है, बट तभी मैं सुबह जाऊंगा। अभी क्या है कि लेट उठना हो रहा है, रात के 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, फिर आराम से 6-7 घंटे की नींद तो चाहिए होती है। कभी भी मैं 12 बजे जग जाता हूँ, ठीक है ना, फिर फ्रेशअप हो जाता हूँ, चाय वाय पीते हैं सभी लोग, बैठते हैं थोड़ी देर, खाना वाना खाते हैं। आज मैंने खाए हैं मतलब केला और दूध और ये सब, बट ऐसे ही डाइट वाला ही खा रहा है। अभी शायद मुझे दिख रही है अपनी बस, बस चालू करती है धीरे धीरे, और एक्सरसाइज धीरे धीरे करूँगा। देखो भाई धीरे धीरे सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी तो आज 3-4 दिन और 1 हफ्ता तो मैं कार्डियो ही करूँगा, क्योंकि क्या है कि अभी मैंने इंडिया से मंगवाया है अपना शेड्यूल जो अभी तक नहीं आया है। पीछे ये जो योगा क्लासेस चल रहे हैं आपको पता ही है, अभी ये खींचेंगे और इसमें मॉनिटर होगा, देखो लाइट होगी, थोड़ी देर के बाद होगी। अभी चल रहा है भाई, धीरे धीरे कर रहा हूँ कार्डियो, थोड़ा बहुत कर लिया है मैंने। देखो भाई 1.25 घंटा हमने कर लिया है भाई एक्सरसाइज, वर्कआउट कर लिया है, आज के लिए तो बहुत है। देखो भाई पसीना पसीना हो गया था, लेकिन क्या है कि यहाँ का वेदर एकदम ठंडा है इसलिए ज़्यादा पसीना नहीं दिखता, बहुत पसीना पसीना हो गया था। और बस अभी कंटिन्यू ही करना है, और सबसे पहले अभी जाना है जॉब ढूंढने। कल सुबह मैं निकलूँगा अपने रिज्यूमे लेकर, और वो सब रिज्यूमे लेकर मैं निकलूँगा जॉब ढूंढने, क्योंकि भाई अभी भी जॉब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 आवर्स ऑलरेडी हो गया है, 20 आवर्स पर वीक जॉब करना ज़रूरी है। इसलिए बस भी अपनी आ गई है, देखो जस्ट अराइव्ड, और अपना पास निकाल देते हैं और बस में आराम से बैठ जाते हैं। देखो भाई यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि जब मनन और वो कोई हम अवेलेबल नहीं रहता है, जब भी कोई जॉब पे रहते हैं इश्यू रहता है ये गेट ओपन होने के लिए। अभी मुझे किसी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा कि कोई वहाँ पे लिफ्ट पे उतरेगा, ये डोर ओपन करेगा और फिर मैं जाऊँगा अंदर। थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर कोई ना आए तो मैं ऊपर से बुला लेता हूँ अपने दोस्तों को। देखो भाई आज हमारे घर थोड़ा सा हेल्दी खाना बना है पहली बार, मतलब ऐसे बनते रहता है, बट क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ एडेड रहता है। ये बाजू में बन रही है दाल, ये है राइस, ये मेरे लिए है, मैं ये खाऊंगा। थोड़ा सा उसमें मतलब कुछ डालूंगा टेस्टी बनाने के लिए, प्याज डालूंगा, थोड़ा सा टमाटर डालूंगा, लेकिन वेजिटेबल्स तो चलता है भाई। ये देखो शकरकंद, क्योंकि 2 लोग का आज फास्टिंग है, ये एक हमारे निकुंज भाई का भी है और पार्थ का भी है, ऐसा कुछ अभी बन रहा है। ये हमें नहीं खाना, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये हमारे दोस्तों के लिए, सभी लोग के लिए है। अभी मन लगाने गया है शिफ्ट इसलिए, और भी मैं ये पीसने का काम कर रहा हूँ। देखो भीमानी एक्सरसाइज कर रहा था थोड़ी देर, पुशअप्स लगा रहा था। क्या भीमानी पुशअप्स लगा रहा था? ठीक है भाई। ये 2 दिन से यहाँ पे ये हमारे साथ नहीं रहता है, ये दूसरी जगह रहता है, बट क्या है कि इसकी कॉलेज हमारे यहाँ से नज़दीक में है। मुझे एक एग्जाम्पल दे दो इसलिए फिर क्या दिक्कत ना रहे। देखो भाई ये सब कर रहे हैं, ये किसके लिए है? मैं दही वड़ा बनाने के लिए भाई, दही वड़ा बनने वाला है वो मैं खाऊंगा चीट करके। दही वड़ा तो ये नहीं मैं मिस करूंगा, दही वड़ा तो खाना ही है।
उस दिन कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ दही वड़ा ही खाऊंगा, बट दही वड़ा खाऊंगा। चलो भाई अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, ये पानी को रख देते हैं साइड में। इतने बना कर गए हैं वो, क्या कि उसकी टिफिन सर्विस है जैसे आपको मालूम है, इसलिए वो टिफिन देने गए हैं और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये सब। इतना हमने वो बना लिया था और अभी बस इतना ही बाकी रह गया है थोड़ा बहुत। अभी ऑलमोस्ट ये समझो ना कि 5 या 6 बार मुझे फिर से इसमें डालना और वो सब करना पड़ेगा। बना दो भाई अभी एकदम फ्री डे है, लेकिन कल का दिन एकदम हैप्टिक रहने वाला है, क्योंकि कल के दिन मैं जाने वाला हूँ, पर्सनली मैं जाने वाला हूँ। वो क्या है कि रिज्यूम सभी लोग बांटने के लिए मैंने वो पार्ट को बोल दिया है कि भाई रिज्यूम भी प्रिंट करवा के लेके आ, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट बहुत महंगी है, वो भी आपको पता है। जब मैं और नीरो भाई गए थे स्टेपल्स पे, उस पर कुछ 20 सेंट्स की एक जेरोक्स थी, बट यहाँ पे क्या है कि कॉलेज अगर गए हो ना, कॉलेज का आईडी कार्ड है तो एकदम फ्री में जेरोक्स निकल गई है। 20-25 मैंने बोल दिया है, 20-25 जेरोक्स निकालने के लिए, वो निकल के आएगा और फिर कल निकलेंगे हम बांटने। वो हंस रहा है मेरे ब्लॉगिंग पे, घुमानी खुद तो कुछ करता नहीं है और हंसता है भाई। कोई बात नहीं, हंसता दो, कामयाबी कुछ देखो। अभी ऑलमोस्ट बन गए हैं, एकदम हार्ड हो गए, इसलिए इसको निकाल देते हैं। ज़्यादा देर अगर रखेंगे ना तो फिर देखो रेड तो हो ही गए हैं, थोड़ी देर ज़्यादा अंदर रह गए हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि ये पहली बार ही है मेरे लिए, मतलब ये बड़ा वाला पहली बार कर रहा हूँ, बाकी वो भजिया और वो सब तो मैं बनाता ही हूँ भाई। देखो